नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, अगर मैं बात करूं एफिलिएट प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया पे पोस्टिंग की, तो मैन्युअली ये करना प्रोसेस जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें टाइम काफी जाता है हमारा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपका जो है ऑटोमेटिकली ये काम किया जा सकता है, तो आपको सिर्फ एक ही बार सेटअप करना है और आपका काम जो है ऑटोमेटिकली होते रहेगा, तो ये कैसा लगेगा आपको। तो चलिए इसको किस तरह से सेटअप कर सकते हैं कि हमने एक बार मेहनत कर दी, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोडक्ट है वो Amazon के, हमारे जितने भी एफिलिएट के प्रोडक्ट हैं, वो हमारे सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक पेज हो, लिंक्डइन पेज हो, ट्विटर हो, या फिर और भी बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वहां पे बहुत आसानी से जो है आप इनको प्रमोट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से इसका सेटअप किया जाता है। सो दोस्तों, हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है आपका Amazon अकाउंट के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको ऑटोमेटिकली अपने फेसबुक पे जो है शेयर कर सकते हैं, या किसी और, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो और भी बहुत सारे सोर्स मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी चलते हैं स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले तो हमें जो है हमारा Amazon के अंदर लॉगिन कर लेना है, ताकि हमारी आईडी जो है वो हमें दिखने लग जाए। तो यहाँ पे जो है हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हमें यहां पे लिखना है Amazon RSS फीड एफिलिएट लिंक, इसको करके हमने क्लिक करना है, और यहां पे पहले नंबर पे जो ये लिंक आ रहा है इस पे हमने क्लिक कर देना है। और आप यहां पे आप देख सकते हैं ये RSS फीड है Amazon की। ठीक है, यहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बेस्ट सेलर की तरफ से, हॉट न्यू रिलीज की तरफ से, या फिर मूवर एंड शेकर्स नाउ की तरफ से। ठीक है, और अगर आप इसको RSS ऑप्शन को फीड कर लेना चाहते हैं तो आप जो है ये URL का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इसको करना कैसे है, चलिए यहाँ पे हमारे पास ये एक पेज है हमारा नीतू फैशन वेयर करके। ठीक है, इसको हमने लिंक करना है, तो हम चलते हैं गूगल के ऊपर। गूगल में जाके हमें जो है यहाँ पे लिखना है IFTTT, इस पे जाना है, ये जो हमारे वेबसाइट है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हम जो है यहाँ पे इसको ओपन हो जाएगा हमारे सामने, तो ये ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने कुछ ऑलरेडी कनेक्ट करके रखे, तो मैं इसको जो है साइन आउट कर देता हूँ किसी दूसरे ईमेल आईडी से। मैं आपको फ्रेश जो है इंस्टॉलेशन कैसे होता है वो देखते हैं। हम कर लेते हैं साइनअप। साइनअप करने के लिए हम जो है यहाँ पे कंटिन्यू विद फेसबुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे करने के बाद कंटिन्यू एज मंजीत करके यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम गूगल प्लस के साथ भी इसको लॉगिन कर सकते हैं या उसके साथ भी कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी कि हम जो है लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जाना है हमने माई एप्लेट्स के ऊपर। माई एप्लेट्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको न्यू एप्लेट मिलेगा, इस पे क्लिक कर दें। तो यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको दिख रहा है एक ऑप्शन इफ प्लस दिस, तो इस पे हमने जो है क्लिक करना है। इस पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमें RSS फीड पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम RSS फीड पे क्लिक करेंगे हमारे सामने दो ऑप्शन होंगे, न्यू फीड आइटम या न्यू फीड आइटम मैचेस। तो हम जो है इसको न्यू फीड आइटम पे चाहते हैं, और यहां पे हमें हमारा जो Amazon का जो एक URL बनाना है उसको जो है क्रिएट करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बेस्ट सेलर को हम एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने बेस्ट सेलर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम जो है, क्योंकि हमें इस कैटेगरी को नहीं लेना है, तो हम जो है एनी डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही एनी डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो जैसे ही ओपन हो जाएंगी, यहाँ पे क्लोथ एंड एक्सेसरीज पे हम क्लिक करते हैं, क्योंकि नीतू फैशन वेयर तो हम उसी हिसाब से लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, वुमेन्स चाहिए, मेन्स चाहिए, सारी चीज़ों का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो URL है, अब इस URL पे हमने कुछ चेंजेस करने हैं। तो वापस से आते हैं हमारे इस ऑप्शन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है amazon.in/RSS/bestseller/books, और यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर टैग है, उसके बाद इक्वल्स टू माई एसोसिएट आईडी है। तो हम जो है यहाँ से इस क्वेश्चन मार्क से इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे ये जो URL है जहाँ पे अप्रैल लिखा हुआ है वहाँ तक हटा के इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है माई एसोसिएट टैग,
तो यहाँ पे हमें हमारा टैग डालना है। तो टैग हमारा कहाँ से मिलेगा, मैनेज योर ट्रैकिंग आईडी पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको आपका ये टैग मिल जाएगा। ये रहा आपका टैग, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे जो माई एसोसिएट टैग लिखा है यहाँ पे आप उसको रिप्लेस कर दें। तो ये यूआरएल हमारा उसके हिसाब से रेडी हो गया। चलिए इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके जो है यहाँ पे जो फीड यूआरएल है उस पर पेस्ट करके हम जो है इसको क्रिएट ट्रिगर पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लिख के आ रहा है नॉट अ वैलिड फीड, उसका कारण क्या है चलिए देख लेते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे आकर देखें amazon.in/gp है, जबकि यहाँ पे हमें RSS फीड के अंदर क्या बताया गया /RSS/bestseller। तो हमने यहाँ पे बेस्ट सेलर आगे तो बराबर कर दिया लेकिन यहाँ पे जीपी रह गया है। तो हमें जो है ये जीपी को जीपी की जगह पे RSS लिख देना है। ठीक है, RSS लिखने के बाद अब वापस से क्रिएट ट्रिगर पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब जो है इसके बाद हम वापस से प्लस का जो निशान है उस पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया के हमारी चीज़ें यहाँ पे आइकन्स हमें देखने को मिलेंगे। आप इन किसी के साथ भी जो है जहाँ पर भी आपका अकाउंट है आप उसको क्रिएट लिंक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें जो है मैं आज आपको फेसबुक के ऊपर दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमें फेसबुक पेज मिलेगा। ये प्रोफाइल पे काम नहीं करता है, ये पेज पे काम करता है। तो हम जो है फेसबुक पेज को यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे आ रहा है कनेक्ट। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके जो भी पेज हैं वो आपको यहाँ पे देखने को कंटिन्यूअस मंजीत पे अभी क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमें जो है यहाँ पे और चीज़ें जो देखने को मिलेंगी, हमारे यहाँ पे जितने पेजेस हैं वो सारे पेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसमें से हमने किस पे डालना है, नीतू फैशन वेयर पे। तो हमें नीतू फैशन वेयर पे लिख के इसको अपडेट कर देते हैं। तो ये अपडेट करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे। एक है क्रिएट अ स्टेटस मैसेज, ये प्लेन एक टेक्स्ट जाएगा। क्रिएट अ लिंक पोस्ट, हमें लिंक पोस्ट क्रिएट करना है, या फिर अपलोड अ फोटो फ्रॉम URL, सिर्फ इमेज वहाँ पे शो करनी है। तो हमें पूरा डिटेल करना है तो हम जो है क्रिएट अ लिंक पोस्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे इस तरह से देखने का मिलेगा। लिंक URL पे हमें जो है एंट्री URL ही छोड़ देना है। और यहाँ पे मैसेज के अंदर क्या करना है, ऐड यहाँ पे हमें सबसे पहले करना है, टाइटल करना है। और यहाँ पे टाइटल करने के बाद हमें एक, क्योंकि हम उसको हम सेकेंड लाइन में लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे BR जो है इस तरह से डाल देंगे। और उसके बाद वापस आप देख सकते हैं यहाँ पे URL है, एंट्री ऑथर है, कंटेंट है, इमेज URL है, पब्लिशर है, फीड टाइटल है, फीड URL है। तो अभी हम यहाँ पे कंटेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि कंटेंट के अंदर ही हमें सारा डिटेल वहाँ पे मिलता है। इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट एक्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम क्रिएट एक्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा फिनिश कर देना है और ये हमारा जो सेटअप है वो हो चुका है। अब जैसे जैसे यहाँ पे अमेज़ॉन के ऊपर कोई भी अगर हमारा डिटेल अपडेट होती है तो वो जो है हमें यहाँ पे अब देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट आएगा। अब यहाँ पे किस तरह का अपडेट आएगा चलिए वो मैं आपको दूसरा जो मेरा पेज है उस पर दिखा देता हूँ। तो मैं एक मेरा यहाँ पे फेसबुक पे लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे एक ये VT न्यूज़ करके है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, हम इस पेज के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद ये पेज लोड हो रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम डील्स एंड ऑफर्स का हमारा पूरा काम है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे अगर पोस्ट पे जाएंगे तो पोस्ट पे जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये दिखने वाला। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक बाटा का जो शूज़ है वो यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे उसके नीचे जो है अप्रैल का कुछ आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इतने सारे पोस्ट जो हैं ऑटोमेटिकली आपके होते रहते हैं, आपको एक बार कनेक्ट करके यहाँ पे छोड़ देना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे चलती रहती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन भी आ गया है जो कि OnePlus 6, ये भी कहीं अपडेट हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से अपडेट है, ये ज्वेलरी हो गई, ये सब हो गया। तो ये अपडेट जो हैं ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। तो आपको जितनी भी कैटेगरीज यहाँ उसमें करनी है तो वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी।
अभी अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो इतना जल्दी तो आता नहीं है, क्योंकि कुछ समय टाइम तो लगता ही है, क्योंकि इतने फ्रिक्वेंटली जो है अमेज़ॉन के ऊपर अपडेशंस नहीं होते हैं, थोड़ा सा टाइम हमें लग जाता है। जैसे ही वहाँ पे कोई ना कोई नया पोस्ट आएगा वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप ऑटोमेटिकली अपना एफिलिएट अकाउंट जो है पोस्टिंग करवा सकते हैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, या फिर और भी बहुत सारे जो भी मैंने आपको दिखाया उन सभी के ऊपर आप ऐसा करके अपनी रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए तो इतना ही। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।